हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज ये कल पहना है मैंने, ये सरोजनी नगर से मैं 100 रुपीज़ वाला टॉप लाई थी ना, ये मैंने पहना है। एंड अभी मैं बैठ के वेट कर रही हूँ, मैं नहाई धोई नहीं हूँ। सॉरी कि नानी आ रही है आज बहुत दिन बाद, मैंने कहा अभी आ जाओ थोड़ा, फिर तो हम शिफ्ट उधर हो ही जाएंगे। आजकल वो इसीलिए नहीं आती है क्योंकि मैं हर हफ्ते वहाँ पहुँच जाती हूँ, इस वजह से। तो आज मैंने उन्हें बुलाया है, तो आज मम्मा थोड़ा नॉनवेज भी लेके आ रही है। मुझे बोलो कि वीडियोज़ बहुत पेंडिंग थी, तो उन्होंने कहा मैं आ जाऊँगी, थोड़ा हेल्प करा दूँगी। और शौर्य ने इसी टाइम पे मौके पे चौका मार के मेरा दूसरा फोन ले लिया है, सुबह से नहीं मिला है उसे फोन। शौर्य, नानी की कैब देखनी है ना बेटा, यहीं रखो। तो मैंने कहा चलो आज ब्लॉग शेयर करते हैं। तो आज मम्मी खाना भी बना के ला रही है, ब्रेकफास्ट भी बना के ला रही है, और क्या था, और आके डिनर वो बनाएंगी और एक दो स्पेशल चीज़ें वो बनाएंगी। तो अभी 11:30 हो रहे हैं, तो फिर शाम तक वो रहेंगी। अगर शाम को हमें प्लॉट पे जाना हुआ न्यू घर पे, तो तब हम उन्हें वहाँ छोड़कर आ जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको फुल डे का व्लॉग दिखाऊंगी कि मैं अपनी मम्मी के साथ कैसे टाइम स्पेंड करती हूँ। सुबह से गुस्सा आया थी नानी से। आप हो गए? मैंने मामा से बोला था, आप ले आना सारे के लिए, कुछ मामा का फोन आया था। अच्छा, ये खराब हो गया? ये और दिलाओ मेरी नानी, और दिलाओ। तो यहाँ नानी के आते ही शौर्य की कुछ शिकायतें, कुछ डिमांडें हो गई हैं। बट वो ना नानी से गुस्सा दिखा रहा है, पता नहीं क्यों वो नानी से गुस्सा है कि मैं आपसे गुस्सा हूँ, मैं बात नहीं करूँगा। 2 मिनट बात करता है, फिर कहता है नहीं मैं आपसे गुस्सा हूँ। तो बस वही हम माँ बेटी की बेसिक बातें शुरू हो गई। आज मैंने मम्मी को कैब से बुलाया था, तो ऑब्वियसली आने जाने में चाहे कितना भी गाड़ी हो, जब उतरता बैठता है तो गर्मी तो लगती है, धूप इतनी तेज़ हो रखी है एंड आगरा में काफ़ी गर्मी चल रही है। अभी थोड़ा सा मौसम ठीक हो गया है, थोड़ी बारिश वगैरह हो गई है, बट गर्मी एंड उमस बहुत है। तो शौर्य अपनी नानी से यहाँ बातें बना रहा है एंड उसके बाद मम्मी मेरे लिए लेके आई है ब्रेकफास्ट। तो वो मुझसे कह रही है खा ले, गर्मा गर्म है। एंड मैंने भी कुछ ब्रेकफास्ट में बनाया नहीं था, सिंपल चाय रस खाए थे। तो मैंने कहा निकी और पूछ, उन्होंने मुझसे पूछा था खाएगी, मैंने कहा हाँ बिल्कुल ले आओ। एंड कुछ चीज़ें मैंने बताया ना, मम्मी के हाथ से ही उतनी परफेक्ट बनती है, अपने हाथ में सेम मसाले होते हैं लेकिन तब भी स्वाद नहीं आता। तो चलिए मैं यहाँ लेके आई हूँ इसे आपको दिखाने के लिए। ये है साबुदाने की खिचड़ी बोल सकते हैं, या बेसिक मसाला साबुदाना। यहाँ ये मम्मी लेके आई थी खोआ, खोए के लड्डू बनाने के लिए, ड्राई फ्रूट और खोए के लड्डू। तो यहाँ वो खोआ जो है भून रही है, अच्छे से उसे भून लेंगी, फिर ठंडा करेंगी, उसके बाद बनाएंगी लड्डू। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स ले लिए, काजू बादाम किशमिश मम्मी ने काट वगैरह काट के रख लिए। एंड खोआ ठंडा हो चुका है तो इसके अंदर बूरा डाल देंगी। आपके पास तगार अवेलेबल हो तो तगार डाल सकते हैं, चीनी को पीस के डाल सकते हैं, बूरा कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये वो सब डाल देंगे एंड कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, बस आपको खोआ को भूनना होता है। एंड ड्राई फ्रूट्स डालिए, कुछ मीठा डालिए, इलायची पाउडर डाल दीजिए, इलायची के दाने डाल दीजिए एंड इनको अच्छे से बाइंड कर लीजिए। थोड़ा सा देसी घी भी डाल सकते हैं। तो बस इसी तरह से मम्मी सबको मिला करके ये लड्डू तैयार कर देंगी। देखिए ये तैयार हो गया, और गर्मी इतनी हो रही थी कि ये मेल्ट हो रहे थे। तो मम्मी खाना बना रही है, मैं यहाँ पे शौर्य को खिला रही हूँ खाना। शौर्य गाने सुना, बेटा बैठो ना, बैठ कैसे गए? मम्मी पालक पनीर बना के लाई थी साबुदाना नाश्ते में। चेहरे पे 12 बज रहे हैं क्योंकि मुझे थोड़ी सी गर्मी लग गई, इसलिए मैं रूम में हूँ। चलो बैठ के खाते हैं ना। ये आज का हमारा लंच, पालक पनीर और रात की सफ़ेद उड़द की दाल जो बची थी, तो ये मैंने लिया है अपने लंच में। गुड इवनिंग गाइस, अभी बज रहे हैं 6:45 एंड हम लोग कर रहे हैं डिनर की तैयारी। रेस्ट कर रहे थे तो बीच में व्लॉग नहीं किया। मम्मी आई है तो मम्मी आज कुछ स्पेशल मील बना रही है एंड इस वीडियो में आपको 2-3 रेसिपीज भी मिल जाएंगी। मेरी कुछ रेसिपीज पेंडिंग थी बोलो की, वो भी बनाए हैं मैंने, तो मैंने कहा वहाँ पर शेयर करूँ तो आपके साथ भी शेयर करती थी। और मम्मी है तो उनके हाथ का स्पेशल खाना कौन मिस करेगा। तो आज बन रही है मटन बिरयानी, तो बस मैं उसी की वीडियो बनाने जा रही हूँ, तो वो रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड फर्दर अगर कोई वीडियो मैं इसमें मिस कर जाऊँ रेसिपी की, तो आप मेरा बोलो अकाउंट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी एंड फॉलो भी कर लीजिएगा।
मटन की बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पे एक बनती है पोटली, जिसमें जाते हैं अदरक, लहसुन, सूखी लाल मिर्च, काली मिर्च, धनिया, साबुत धनिया और लौंग, खड़े मसाले जाके इनकी पोटली बनके इस मटन में डल जाती है। और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे एंड इसे उबाल लेंगे 5 से 6 सीटी धीमी आँच पर। उधर सॉटे करने के लिए प्याज और हरी मिर्च कट कर लिए और अदरक और लहसुन को भी ग्रेट कर लिए। बिरयानी वगैरह में अदरक लहसुन का टेस्ट और खड़े मसालों का टेस्ट उभर के आता है, तो कुछ खड़े मसाले पोटली में डाल दिए थे एंड कुछ खड़े मसाले मम्मी इसके अंदर भी डाल रही हैं, जैसे तेज पत्ता वगैरह हो गया और दालचीनी हो गई, ये छोटी मोटी चीज़ें इसमें और डाली हैं। जीरा भी डाल चुकी हैं। उसके बाद प्याज सॉटे करेंगी, प्याज के साथ साथ हरी मिर्च डालेंगी। इसमें जो है ना लाल मिर्च नहीं डलती है, बहुत कम डलती है, जो भी स्पाइस लेवल होता है ना वो हरी मिर्च से आता है, तो खूब सारी इसमें हरी मिर्च डलेगी। एंड यहाँ थोड़ा सा मम्मी प्याज भून रही है, ये आज की कुकिंग मैंने बताया मम्मी ने ही की है, तो जैसे ही प्याज भुन जाएगी उसके बाद ये हरी मिर्च डाल देंगी इसके अंदर और अदरक लहसुन का पेस्ट भी। अदरक जो होता है आप प्याज के ऊपर से डालिए, उसे पहले मत डालिए, अदरवाइज़ वो पूरा चिपक जाएगा। प्याज के ऊपर डालेंगे तो वो प्याज पे कोट हो जाता है, और चिपकता तो है बट उतना ज़्यादा नहीं चिपकता है। तो बस इन्हीं सब चीज़ों को डाल करके हम सॉटे कर लेंगे। थोड़ा सा इसे सॉटे करने के बाद जो धुला हुआ उबला हुआ मटन है हम वो भी इसके अंदर डाल देंगे। उसे भी हमें बहुत हल्का सा ही सॉटे करना है क्योंकि वो ऑलरेडी कुक्ड है। मसालों में मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, मैंने यहाँ लिया है मुंशी पन्ना का, तो ये करीब 1 से 1.5 चम्मच डाला है, बहुत ज़्यादा भी मत डालिएगा। और बाकी इसमें मसालों में जाएगा थोड़ी सी नमक और गरम मसाला। तो ये सब मसाले डालने के बाद मैं इसमें भीगे हुए चावल डालूंगी। ये स्पेशल बिरयानी राइस है, यहाँ मैंने 2 कटोरी बिरयानी राइस ली हैं, तो इन्हें भी मैं थोड़ा सा सॉटे करूंगी। अगर आप चावल थोड़ा सा भून लेते हैं ना तो उससे जो है ना चावल खिले खिले बनते हैं, और साथ के साथ बिरयानी राइस होते हैं तो वो और खिले बनते हैं। तो मसालों में मैं आधा आधा चम्मच नमक और गरम मसाला डाल रही हूँ। एंड में मैं पानी को टेस्ट करूँगी और उससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि इसमें मसाला कम है या ज़्यादा। ये देखिए, ये मैं इसमें वो वाला पानी डाल रही हूँ जिसमें मैंने मटन उबाला था, क्योंकि सारे खड़े मसालों का जो फ्लेवर है वो इसी पानी के अंदर है। तो इसी पानी से आप हमेशा इस तरीके की बिरयानी को पकाइएगा तो बहुत ही अच्छी यमी खुशबू आती है। और यही मैंने पानी ले लिया है, इसको मैं टेस्ट कर लूँगी। थोड़ा नमक कम था तो वो भी मैं ऐड करूँगी। इधर यहाँ हमने देसी घी लिया है एक छोटे वाले फ्राई पैन में, और इसमें हम वो रोस्ट कर लेंगे अनियन को। सो फ्रेंड्स, मम्मी चली गई हैं खाना पीना बना के, बिरयानी बनी थी उन्होंने थोड़ी सी पैक करा ली, पैक करके दे दी मैंने उन्हें। अब मैं आपको भी दिखाती हूँ। एंड संदीप आ चुके हैं, वो शौर्य को लिए रूम में बैठे हैं क्योंकि नानी के जाने पे वो रोता, तो इस वजह से। एंड मैं मम्मी की ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाई, मम्मी का जो मम्मी के हाथ का खाना था ना आज मैंने वही इन्जॉय किया, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। तो मैंने आज फुल डे आराम किया है, मैंने कहा चलो मम्मी आई है, एंड वो भी बहुत मन से बना बना के लाती हैं और बना के खिलाती हैं। मतलब मेरी मम्मी ना ये नहीं है कि बेटी है या बहू है, अगर उनको मौका लगता है तो वो जिसको भी हो सकता है अपने हाथ का खाना खिलाती हैं जितना मौका उन्हें पड़ता है। तो बस चलिए उनके हाथ की यमी यमी बिरयानी हम भी खाते हैं। संदीप को भूख लग रही है तो मैं जल्दी से ही कुकर ही लेके जा रही हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी यम्मी है ना, थोड़ा सा कलर डाल दिया था एंड फ्राई करके अनियन, वो मैं दिखा नहीं पाई, मैं उस समय फ़ोन चार्जिंग पे लगा रखा था, तो बस जल्दी से इसे लेके जाऊँ। ये है यम्मी यम्मी बिरयानी एंड इसे आप लोग खाइए मिक्स्ड वेजिटेबल के रायते के साथ, और खूब सारा ऊपर से नींबू निचोड़िए। संदीप को तो बिरयानी बिना नींबू के बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उनको मैंने नींबू और प्याज दे दिया एंड काफ़ी यम्मी बनी थी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। ये व्लॉग मैं नेक्स्ट डे की मॉर्निंग में कंटिन्यू कर रही हूँ, मॉर्निंग भी नहीं, अब 11 बज रहे हैं। तो कल एक्चुअली इसकी नानी चली गई थी तो वो बहुत रोने लगा, तो उसे संभालने में रही मैं और ऊपर से खाना वगैरह खाया, तो ध्यान नहीं रहा कि व्लॉग एंड करना भूल गई हो, तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट डे व्लॉग को एंड भी करेंगे एंड थोड़ी बहुत आपसे बात भी कर लेंगे। कल बहुत ज़्यादा मैं कुछ शो नहीं कर पाई क्योंकि गर्मी इतनी हो रही थी कि मैं किचन में बिल्कुल नहीं लगी, जो भी किया वो मम्मी ने किया। मुझे गर्मी में ना बहुत बेचैनी होती है, और मेरे इस वाले घर की जो किचन है ना इसमें इतनी सफोकेशन है, मैं आपको इन वर्ड्स नहीं बता सकती। मैंने फैन भी लगा रखा है लेकिन बहुत भयानक गर्मी होती है, आप 2 रोटी भी सेकोगे ना पूरा तरबतर हो जाते हो, तो मुझसे बहुत मतलब मेरी तबीयत ही खराब हो जाती है। मैं जब कभी पराठे बनाऊँ उस दिन तो पूछो मत।
तो संदीप ने मुझे फैन भी लगा के दिया। वो कह रहे हैं अगर वैसा वाला फैन चाहिए, छोटा वाला जो बिल्कुल फेस पे हवा लगे, वो भी ले सकती हो। बट मैंने वो अभी लिया नहीं है, पहले मैं सोच रही थी कि ले लूँ। मैंने कहा चलो नए घर में देखते हैं वहाँ की किचन कैसी है। एक्चुअली जैसे स्टेयर्स पे जो ग्लासेस या विंडो लगी होती है ना, वो यहाँ ना ऊपर ना नीचे कहीं खुली नहीं है, सबसे नीचे वाले फ्लोर से थोड़ी बहुत हवा आ जाए, बट ऐसे कोई हवा नहीं आती है कि नीचे की सीढ़ियों से तैर के ऊपर के किचन में आए। जो किचन के सामने कोई विंडो हो, ऊपर नीचे थोड़ी बहुत कोई विंडो हो, वहां से हवा आए। तो नए वाले घर में हमने इस चीज का ध्यान रखा है। जो टेरेस वाला पोर्शन है वहां पे हमने दो विंडोज हैं जो खुलेंगी अच्छे से, तो वो वाला पोर्शन कर रखा है, तो होपफुली वहां की किचन में इतनी गर्मी ना हो। इसके अलावा मम्मी थी तो मम्मी ने आराम से सब बना लिया और मुझे एक दिन आराम मिल गया, थोड़ा सा शौर्य को भी देख लिया उन्होंने। शौर्य तो आजकल फोन में ज्यादा रहता है, बट कुकिंग से एक दिन की छुट्टी, एक दिन की मुझे छुट्टी मिल गई। ब्रेकफास्ट वो साबुदाना बना लाई, लंच में वो पालक पनीर बना लाई, रात को उन्होंने मटन बिरयानी बनाई और दिन में दो तीन स्वीट्स बनाई थी मेरी वीडियोज के लिए भी और घर के लिए भी। तो हाय रे, कितना ऐश की जिंदगी होती है जब मम्मी काम करती हैं, और जब खुद मम्मी बन के काम करना पड़ता है तो कैसा लगता है। मैं भी पूरी ईमानदारी से करती हूँ शौर्य का सारा काम, बट मेरे पास एक इतना सा भी हेल्पिंग हैंड नहीं है। मेरी मम्मी, मतलब मेरी मम्मी भी बहुत काम करती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट ये था कि मेरे पापा पुलिस में थे तो सर्वेंट्स, बहुत सारे सर्वेंट्स मिलते थे कि हेल्प करने के लिए। तो जब हम छोटे थे तो मेरी मम्मी के पास बहुत हेल्प थी, होम कुक अलग है, होम गार्ड अलग है, सिपाही अलग है, ये है वो है, तो चार पांच नौकर घर में रहते थे, तो हमें संभालना उतना डिफिकल्ट नहीं होता था जितना आजकल की लाइफ में। देखिए अब हर चीज़ की अपने अलग अलग फायदे हैं। अब आपको अलग रहना है तो भाई अलग रह के आपको अपना बच्चा भी अपने आप संभालना है और अपना घर भी, तो हर चीज़ का फायदा और क्या बोल सकते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहता है, पर ठीक है सब मैनेज हो जाता है। शौर्य 3.5 साल का हो गया है, मैंने अपने आप उसे जितना मैं कर सकती थी मैंने अच्छे से अच्छा उसे मैनेज किया। बस उसके थोड़े हेल्थ इश्यूज चलते रहते हैं तो इसलिए मैं थोड़ा थक जाती हूँ। इसके अलावा भाई मम्मी के हाथ का खाना और मम्मी से काम लेने में आई थिंक कोई लड़की पीछे नहीं रहेगी, और जब भी वो मायके जाती है तो वो जो सुख होता है हर लड़की को मिलता है वो सुख। कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप इतनी लकी हो कि आपका मायका इतना पास है, हम तो इतनी दूर हैं, एक फॉरेन में रहते हैं तो साल दो साल में आते हैं। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोगों को कितना लगता होगा ना कि आपके पास कोई है नहीं, और फॉरेन कंट्रीज में अगर कोई इंडियन फ्रेंड्स मिल जाए तो अच्छा है, अगर नहीं मिलते हैं तो आपको और ज़्यादा अकेलापन लगता होगा। बट मैं अभी 3 साल से यहाँ पे हूँ, उससे पहले मैं 4 साल मैं दिल्ली में थी, तो मेरा महीने में एक बार आना होता था। एंड अब विद द गॉड्स ग्रेस अगर टाइम से संदीप का प्रमोशन हो गया तो मैं फिर से ट्रांसफर लेके यहाँ से चली जाऊंगी, अब पता नहीं कहाँ जाएंगे। तो ये तो लाइफ का फेज है। अब शादी जब हो जाती है तो आपको मायके से मतलब जाना आना रहता है, लेकिन वो कनेक्शन होता है वो अपने आप ही थोड़ा ख़त्म हो जाता है, और जो हक आपका अपनी मम्मी पे मायके पे रहता है वो हक आपका कभी ससुराल में या सास पे नहीं रह सकता है कि मम्मी ये, अपनी माँ से आप कितनी बार भी बोलो मम्मी ये बना दो, मम्मी वो बना दो, ये आज ये नहीं हो रहा, आज वो नहीं हो रहा। एंड मैं तो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी खुश हूँ क्योंकि मेरा नया घर जहाँ बन रहा है वहाँ से मेरा मायका बिल्कुल पास में है, तो अब मेरी डिमांडें तो खूब होने वाली हैं कि मम्मी ये बना के भेज दो, मम्मी वो बना के भेज दो। वैसे ही मैं आजकल बहुत चटोरी हो गई हूँ, मुझे बाहर का खाना बहुत अच्छा लगता है, रोज़ रोज़ दाल रोटी मुझसे खपती नहीं है। एंड अपने हाथ के खाने से इंसान बोर हो जाता है, तो कभी मन किया कि नहीं बनाना है तो मेरी मम्मी से मैं बोल दूंगी। कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो आपके हाथ से उतनी अच्छी बनती नहीं है, तो वो मैं अपनी मम्मी से कह के बनवा सकती हूँ। विद इन 2 मिनट्स मीन्स 2 मिनट का डिस्टेंस है, अगर आप एक्टिवा से मेरे न्यू घर और मेरे मायके की बात करोगे, सिर्फ 2 मिनट में मेरा मायका और मेरा घर कनेक्टेड है। डिस्टेंस वैसे बहुत है कि घर से घर नहीं दिखता है, लेकिन जाने आने कन्विंस के सेंस में कहा जाए तो 2 मिनट बस। तो इस ब्लॉग में मैंने थोड़ी सी बातें बनाई हैं क्योंकि वो ब्लॉग में मैं ज़्यादा आपको बता नहीं पाई थी, तो ये सारी बातें हो गई। चलिए इसी के साथ करती हूँ इस ब्लॉग को एंड, एंड नेक्स्ट डे का ब्लॉग आज अगर इवनिंग का कुछ स्पेशल रूटीन होता है तो वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड हाँ, लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो।